सभी लोगों को जय जिनेंद्र। मैं महेश जैन गुलबर्गा कर्नाटका से। ये वीडियो देश के जितने भी बड़े साधु संत जैन समाज के, उनके पास ज़रूर जाना चाहिए और उनको पता चलना चाहिए कि समाज की हालात क्या है और समाज के बड़े लोग क्या कर रहे हैं। खास करके ये वीडियो जैन समाज के बड़े आचार्य आचार्य विमल सागर सूर्य जी महाराज, उनका चातुर्मास अभी ईरोड में चल रहा है, उनके बाद आचार्य नररत्न सूरीश्वर जी महाराज, उनका चातुर्मास गदग में चल रहा कर्नाटका में, आचार्य वर्धमान सागर जी महाराज, उनका चातुर्मास बेलगम कर्नाटक में चल रहा है, सुधा सागर जी महाराज, प्रमाण सागर जी महाराज, जैन समाज के जितने भी बड़े आचार्य साधु संत हैं उनके पास ज़रूर जाना चाहिए ये वीडियो। वीरेंद्र हेगड़े जी, आदरणीय वीरेंद्र हेगड़े जी, हुंचा के भट्टारक और श्रवण बेलगोल के भट्टारक, सभी लोगों के पास ये वीडियो जाना चाहिए। दो दिन पहले कर्नाटक में कॉलेज स्टार्ट हुए हैं और कर्नाटका में 314 माइनॉरिटी के हॉस्टल्स है, 314 माइनॉरिटी के हॉस्टल्स है जो गवर्नमेंट चलाती है माइनॉरिटी डिपार्टमेंट के अंदर। 314 हॉस्टल्स में से जैन समाज को एक भी हॉस्टल्स नहीं मिला है। पूरा 314 हॉस्टल्स में सभी हॉस्टल्स मुस्लिम बच्चों को रिजर्व किया है, हमारे जैन समाज को एक भी हॉस्टल रिजर्व नहीं करके रखे हैं। जैन समाज के गरीब लोगों के बच्चे किधर रहेंगे? जैन समाज का एक बच्चा रूम करके बाहर रहना चाहता है तो कम से कम 5,000 रुपये चाहिए उसको। जिनका आमदनी, गरीब लोगों की आमदनी 5-10 हज़ार नहीं है, वो 5,000 कहाँ से लेंगे हर महीना 5,000 बच्चों को पढ़ाने के लिए? 314 में एक भी हॉस्टल जैन समाज के लिए नहीं रखे और जैन समाज के इतने बड़े लोग हैं, किसी को कुछ लेना देना नहीं पड़ा है। गरीब लोग क्या करें? क्या कन्वर्ट हो जाए उनके बच्चे? क्या मर जाए पढ़ाई करना छोड़ के? क्या कर जाए? 314 हॉस्टल्स है और इस विषय पे कोई भी सीरियसली नहीं ध्यान दे रहा है। हमने माइनॉरिटी के इशू पे दो बार डीसी गुलबर्गा में, दो बार डीसी ऑफिस के बाहर प्रोटेस्ट करे, एक बार माइनॉरिटी ऑफिस के बाहर प्रोटेस्ट करे। पूरा देश में पिछले 10 साल में करीबन एक लाख करोड़ माइनॉरिटी के ऊपर खर्च किया है, उसका 1% भी जैन समाज को नहीं मिला है। एक दो तीन परसेंट भी मिल जाता था ना, जैन समाज का गरीबी हट जाती थी, पर किसी को कुछ नहीं लेना देना पड़ा है। और कर्नाटक में पिछले 10 साल में 12,000 करोड़ से भी ज़्यादा पैसा अल्पसंख्यक का विकास के लिए मिला है, उसका सा एक परसेंट भी जैन समाज को नहीं मिला है। 12,000 करोड़ में से 1% भी जैन समाज को नहीं मिला है और 314 कर्नाटक में 314 हॉस्टल से एक भी हॉस्टल जैन समाज के लिए रिजर्व न करके नहीं रखा है। तो जितने भी बड़े लोग हैं, उनसे जितने भी बड़े आचार्य जी हैं, उनसे मेरा निवेदन है कि इस विषय पे आप थोड़ा गंभीरता से सोचिए। गरीब के बच्चे कहाँ रहेंगे? समाज कैसा आगे बढ़ेगा? कर्नाटक में हजारों जैन परिवार भर पड़े हैं। मैंने आचार्य विमल सागर सूर्य जी महाराज जी को भी ये मैसेज करके बोला था, उनका कुछ रिप्लाई नहीं आया। उनको करना ही पड़ेगा ये सब, ये मेरा कुछ पर्सनल नहीं है। जैन समाज के गरीब बच्चे कहाँ रहेंगे? क्या मर जाना चाहिए? क्या कन्वर्ट होना चाहिए? समाज बचा कितना है? अभी बहुत तकलीफ होता है हमको। मेरा पर्सनल बोलता हूँ, मैं आज तक किसी को नहीं बोला हूँ। मेरे पप्पा ऑटो चलाते हैं, मेरा इंजीनियरिंग कंप्लीट हुआ है। इंजीनियरिंग के 2 साल में एक पढ़ा हुआ स्कूल के बाथरूम में गुजरा हूँ, उधर खाना खा के रहा हूँ। वो माइनॉरिटी के 314 में से हमको कुछ जैन समाज को कुछ हॉस्टल्स मिल जाते थे तो मैं हॉस्टल में नहीं रह सकता था क्या? अभी तो मेरा स्कूल कॉलेज सब खत्म हो गया है और मेरा भाई बहन कोई नहीं है अभी पढ़ने वाला है, पर समाज का तो है ना। समाज के बच्चे कहाँ रहेंगे? जैन समाज के बच्चे कि वो भी बाथरूम में रहेंगे? क्या कन्वर्ट हो जाए? क्या मर जाए? क्या करे? किसी को कुछ नहीं पड़ा है। इसलिए जितने भी मैंने आचार्य के नाम लिए, उनको इस पर ध्यान देना ही पड़ेगा। अगर इस पर कुछ हुआ नहीं है, मैं सीरियसली बोल रहा हूँ, हमने 2 बार प्रोटेस्ट भी किया है, चुप नाम के वास्ते, सब लोग नाम के वास्ते लड़ रहे हैं और सब लोग अपना सेल्फ इंटरेस्ट देख के काम करते हैं। सेल्फ इंटरेस्ट जिधर अपने को ना कुछ नाम मिलता है, कुछ पद मिलता है,
वो सब देख के काम करते हैं। ऐसा रहे तो समाज टिकेगा, बढ़ेगा कैसा? अभी कुछ बचा नहीं, सब 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 मिट्टी में मिल गया है। इसलिए इस विषय पे थोड़ा गंभीरता सोचिए और गवर्नमेंट से बात करिए। आदरणीय वीरेंद्र हेगड़े जी, 314 कर्नाटक में मानिटी के हॉस्टल्स है, आपके एक कॉल पे गवर्नमेंट काम करती है। प्लीज़ आप तो थोड़ा ध्यान दे दीजिए और 314 हॉस्टल में से कुछ तो जैन समाज के लिए हॉस्टल रिजर्व करके रखने के लिए बोलिए। 314 हॉस्टल से गरीब के बच्चे कहाँ रहेंगे? इसलिए ये जैन समाज के सभी आचार्यों को पता चलना चाहिए। गरीब कर्नाटक में गरीब परिवार बहुत सारे हैं, बेलगम, गुलबर्गा, विजापुर, गदग, धारवाड़, बहुत जैन समाज के बहुत सारे गरीब परिवार हैं, कहाँ रहेंगे उनके बच्चे? और इसी चक्कर में गवर्नमेंट की जैन समाज को फैसिलिटी नहीं मिलती है, इसलिए बहुत सारे परिवार ओबीसी के चक्कर में कन्वर्ट हो चुके हैं, अभी भी हो रहे हैं। ऐसा ही समाज सोते रहे ना, समाज के बड़े लोग सोते रहे ना, पूरा समाज ख़त्म हो जाएगा और तुम भी एक दिन ख़त्म हो जाओगे। जब समाज भी नहीं रहेगा, साधु के बिना समाज नहीं, समाज के बिना साधु नहीं। थोड़ा ध्यान से दीजिए। और अगर हमने दो बार प्रोटेस्ट किया है और एक 15 दिन में फिर से हम प्रोटेस्ट करेंगे। अगर इस बार जैन समाज को 314 में से हर डिस्ट्रिक्ट में हॉस्टल रिजर्व करके नहीं रखे,